हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू आर वाचिंग फॉर कोड फॉर एजुकेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बनाएंगे गाइस रिस्पॉन्सिव फुल स्क्रीन नेविगेशन ओवरले। ओके, सो ये रिस्पॉन्सिव होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि ओवरले मेन्यू कैसे बनाते हैं गाइस। ओके, उससे पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है न्यू यूजर से, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर फॉलो करें। आपको तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करने का बेनिफिट क्या होगा गाइस, कि मैं यहाँ पे क्या है डेली बेसिस पे आपके फंडामेंटल्स के पोस्ट डालता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज गेन हो सके। ओके, और अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गाइस, बूम गाइस, ये आपका इफेक्ट है। ओवर करने पे आप देख रहे हैं अंडरलाइन आ रही है आपकी, एंड क्लोज पे आप क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, ये देखिए गाइस। ओके, मैं आपको रिस्पॉन्सिव भी चेक करा देता हूँ गाइस, कि अगर रिस्पॉन्सिव होता है, ये देखिए गाइस, किसी भी स्क्रीन पे देख लीजिए आप। ओके, किसी भी स्क्रीन पे आप देखेंगे ना, रिस्पॉन्सिव ही है ये। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउजर को सेट कर लेते हैं, एडिटर पे आते हैं। एडिटर पे क्या कर रखा है गाइस, कि हमारे पास एक एचटीएमएल की फाइल है, एक सीएसएस की फाइल है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम एचटीएमएल को रेडी करते हैं, देन उसके बाद सीएसएस लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेल लेता हूँ, मेल, एंड इसके अंदर हम एक H1 ले लेते हैं। H1 पे जो हमने हेडिंग वहां पे लिखी हुई थी वो लिख लेंगे, रिस्पॉन्सिव फुल स्क्रीन नेविगेशन ओवरले। ओके, एंड नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को इसके नीचे बटन चाहिए होगा। तो एक बटन पे क्लास भी ले लेंगे हम, जिससे हम फंक्शनैलिटी बनाएंगे बटन की, तो उसका टॉगल ओवरले। ओके, एंड इसका नाम हम मेन्यू रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं गाइस। आपके इस प्रोजेक्ट के हिसाब से ही आप अपनी चीजों को एड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं आपका रिसॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे लेंगे ए साइड, एंड इसके बाद है हम डिव लेंगे यहाँ पे आउटर ग्लास, क्लोज लेंगे यहां से, एंड टॉगल ओवर ले लेंगे गाइस। ओके, एंड इसके अंदर हम लेंगे ए, ए के अंदर हम क्लास लेंगे आपका क्लोज। ओके, एंड क्लोज के अंदर हम लेंगे स्पैन। ओके, एंड इसके बाद हम इस जीप के बाद लेंगे हम नैप, नैप के बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर हम लेंगे यूएल, जिससे कि हम मेन्यू बना सके। आपका मेन्यू होगा, एंकर टैग लेंगे हम यहाँ पे एच आर यू डैश के साथ, एस्केलेशन साइन लेंगे हम, एंड यहाँ पे हम लेंगे होम। हम इसको क्या करेंगे गाइस, कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे जितने भी आपको मेन्यू बनाने होंगे। मैं यहाँ पे बस 4 ही बनाता हूँ गाइस। ओके, एंड गैलरी, गैलरी के बाद हम देते हैं यहाँ पे फीचर्स, एंड लास्ट वन होगा हमारा अबाउट। ओके, सो ये हमारा एचटीएमएल रेडी है गाइस। सो इसको हम सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा ये सेंटर लाइन आ रहा है, ये कैसे आ रहा है मैं आपको सीएसएस में दिखाता हूँ पहले से। एंड यहाँ पे हमारा मेन्यू आ रहा है गाइस, विदाउट रिफ्रेश करें कैसे ये हमारा ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है। तो मैं उसके लिए क्या यूज करता हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक एक्सटेंशन होता है वीएस कोड के अंदर आपका लाइव सर्वर करके, यहाँ देखिए गाइस मेरे कर्सर को राइट हैंड साइड पे, इसके थ्रू मैं यहाँ पे लाइव सर्वर से यूज करके डायरेक्टली काम करता हूँ। तो यहाँ पे सीएसएस पे चलते हैं गाइस। सबसे पहले मैंने क्या करा है कि इंपोर्ट कराया हुआ है फॉर्म फैमिली को, बॉडी पे है हम, क्या डिस्प्ले फ्लैक्स किया हमने, अलाइन आइटम सेंटर कराया, जस्टिफाई कंटेंट कराया, मिन हाइट हमारी 100 वीएच की है, ओवरफ्लो हिडन करा हमने, एक बैकग्राउंड कलर दिया लाइक हमने, एंड फॉर्म फॉन्ट फैमिली रखा हमने, एंड वेब किट स्मूथली फॉन्ट रखा है लाइक। ओके, सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन को लेंगे, मैं डायरेक्ट टैग को ले रहा हूँ गाइस, आप क्लास भी बना के इस चीज को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है ना गाइस, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ओके, एंड यहाँ से आपका पैडिंग 60x15 पिक्सल, एंड टेक्स्ट लाइन होगा आपका। ओके, सेंटर, एंड मैक्स विड्थ होगी आपकी 100% की। ओके, ये किसके लिए हमने बनाया मैं आपको पहले एचटीएमएल दिखा देता हूँ, ये हमारा है इसके लिए गाइस। ओके, मेन के लिए। सो इसके बाद हम क्या करते हैं,
H1 ले लेते हैं डायरेक्ट गाइस। तो H1 पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज डिफाइन करेंगे हम पहले, एंड फॉन्ट साइज में होगा 2.5 VM, एंड इसके बाद फॉन्ट वेट होगा गाइस, फॉन्ट वेट होगा हमारा 300, एंड इसके बाद होगा हमारा कलर, कलर के बाद होगा हमारा RGB, RGB में हम क्या लेंगे गाइस, वाइट को हल्का सा लाइट कर लेंगे हम, एंड यहाँ पे 0.9, ओके, एंड इसके बाद मार्जिन इसमें 0, 0 एंड 10 पिक्सल, ओके। सो H1 में दिखा देता हूँ पहले कहाँ पे है। H1 आपका मेन के अंदर H1 एंड बटन है, बटन को भी अभी हम डिजाइन करेंगे गाइस। एंड यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे गाइस कि हमारा ये यहाँ पे आपका लाइट में कलर आ रहा है, एंड आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से देखिए आपका बटन सेंटर में आ रहा है, ओके। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम क्या गाइस, हम करेंगे ए साइड को डिजाइन, ओके। ए साइड में हम क्या करेंगे, पोजिशन फिक्स कर देंगे गाइस हम, ओके। वेट इसकी कर देंगे हम 100%, एंड हाइट कर देंगे 100%। इसके बाद टॉप से होगा 0, ठीक है, लेफ्ट से होगा 0, एंड उसके बाद होगा आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में होगा आपका ग्रेडियंट यूज करना है हमें, तो ग्रेडियंट के लिए हम करेंगे यहाँ से 200 डिग्री, एंड कॉमा यहाँ पे फर्स्ट कलर हम मैं डिफाइन कर देता हूँ 2, 7, 1, 5, 6, E, ओके, कॉमा, एंड उसके बाद में आपका 6 है 6 A 2 A 8 8, ओके, एंड कॉमा यहाँ से आएगा #9F4981, ओके। तो ये हमारा कलर होगा गाइस, एंड ओपिसिटी इसकी 0 कर देते हैं, ये अभी हमें चाहिए नहीं वैसे भी, एंड विजिबिलिटी इसकी होगी आपकी हिडन अभी, ओके। इसके बाद हम वेब किट यूज करेंगे गाइस। वेब किट किस लिए यूज करते हैं वो आपको मैंने पहले लास्ट पिछली वीडियोस में ही बताया कि लाइक हम क्रोम एंड सफारी पे हमारा वेब किट वर्क करता है, जो भी हम 2D एंड 3D का जो भी ट्रांजिशन एनिमेशन यूज करते हैं उसके लिए। तो हम 0.5S लेंगे एंड ईजी, उसके बाद होगा आपका जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स में क्या होगा हम 2 दे देते हैं, ओके। सो अगर मैं इसे 1 कर दूं अभी और इसकी विजिबिलिटी विजिबल कर दूं, तो मैं आपको पहले ब्राउजर पे अगर चल के दिखाऊं तो लाइक आपको ऐसा दिखेगा अभी गाइस, ओके। अभी आपका मेन्यू नहीं रेडी है, बट आपका बैकग्राउंड ये रेडी हमने कर लिया है, ओके। एंड अभी क्या करते हैं, इसको वापस मैं पहले जैसे कर देता हूँ बिकॉज अभी हमें चाहिए ही नहीं, ओके। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ओपन क्लास बना लेता हूँ गाइस, जो कि अभी हमारा जब हम क्लिक फंक्शनलिटी लिखेंगे ना गाइस, उसमें काम आएगा हमारी ये क्लास, तो उसमें मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस, एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए गाइस। एंड इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से आपका नैप, नैप को मॉडिफाई करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, एंड यहाँ से हाइट देंगे हम 95 VH की, ओके। डिस्प्ले, डिस्प्ले में हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से वेब किट यूज करेंगे और वेब किट की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे बॉक्स के रिलेटेड, ओके। बॉक्स ओरिएंटेड, यहाँ पे वर्टिकल, ओके ओके गाइस। यहाँ पे एक और वेब किट यूज करेंगे हम, बॉक्स, बॉक्स के बाद होगा आपका डायरेक्शन, ठीक है, वो होगा हमारा नॉर्मल। और हम लेंगे फ्लैक्स, डायरेक्शन यूज करेंगे हम, ओके, यहाँ पे होगा हमारा वो कॉलम गाइस, ओके। एंड यहाँ से एक और वेब किट यूज करेंगे हम, वेब किट, बॉक्स एंड बैक, सो जस्टिफाई एंड में हम क्या करेंगे, नेविगेशन कहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ गाइस कि मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, ओके। ये नेविगेशन आपका ये रहा, डिव ये रहा, साइड बार ये रहा, एंड मेन ये रहा, ओके। एंड इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको इससे पहले दिखा देता हूँ ब्राउजर पे, ये देखिए गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी आपको, ओके। सो अभी हम देखने के लिए क्या कर लेते हैं, मैं आपके लिए अगेन मैं इसको विजिबल कर देता हूँ अभी, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया, ओके।
ये देखिए गाइस, ओके आपका सेंटर में आ चुका है, बट अभी क्या है कि अभी वो मेन्यू हमारा रेडी नहीं हुआ है। तो मेन्यू की सीएसएस हम लिखते हैं गाइस, तो नेव के अंदर अब क्या होगा हमारा, नेव यूएल, यूएल पे हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो हम मार्जिन एक, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, एंड यहां से लिस्ट स्टाइल करेंगे गाइस, नन होगा वो हमारा। ओके अगर हम सेव करके ब्राउजर पे देखेंगे ना, तो अभी जो डॉट्स आ रहे थे लेफ्ट साइड में वो नहीं हमें दिख रहे हैं। ओके अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, हम करेंगे यहाँ पे नेव यूएल एल आई, एल आई पे हम क्या करेंगे गाइस, अलाइन आइटम सेंटर। ओके एंड फ्लैक्स वन, लाइन हाइट देख वो होगा हमारा 20 VH का। ओके एंड इसी चीज के लिए जो हमने सेंटर करा है गाइस, इसके लिए मैं वेबकिट यूज कर लेता हूँ पहले। सो बॉक्स अलाइन में हमारा क्या होगा, सेंटर होगा गाइस। ओके एंड इसके बाद जो फ्लैक्स हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी वेबकिट यूज कर लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना गाइस, ये बहुत कम जगहों पे यूज होती है, बट जब यूज हम करते हैं तो इसको हमारे को क्रॉस ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं। ओके कि हर ब्राउजर पे सपोर्ट कर सके, एंड ब्राउजर पे जो हम 2D 3D एनिमेशन चाहते हैं वो आ सके। ओके तो हमारे यहाँ पे एल आई रेडी है। एल आई के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो लाइक हमारे कैप्स आ गए हैं। ओके एंड इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे सीधा एंकर टैग को। तो हम यू एल एल आई ए, इसमें हम करेंगे आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज में होगा 1.em। इसमें हम क्या करेंगे ट्रांजिशन, ओके ट्रांजिशन में ऑल 0.5s, इजी। ओके और इसको कॉपी कर लेते हैं, हम एक वेबकिट बना लेंगे हम। ओके एंड पेस्ट कर देंगे, एंड इसके बाद आपका होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन, एंड उसके बाद होगा वो आपका नन। ओके एंड कलर यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम RGB में ही, एंड यहाँ पे हम होगा वो होगा 5, वाइट कलर करेंगे हम। ओके एंड 0.5। ओके ये हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखिए गाइस हमारा टेक्स्ट विजिबल हो रहा है आपको अभी, एंड ये जो कलर हमारा आएगा तो हम पूरा कलर कब लेके आएंगे, जब होवर होना चाहिए। तो होवर के लिए हम यहाँ प्रॉपर्टी बना लेते हैं अभी, एंड यहाँ से आपका एंकर पे अगर होवर होता है, ओके सो कलर होगा आपका RGBA, एंड इसके बाद होगा आपका 25। एक बार चेक कर लेते हैं हम, ये देखिए गाइस आपका टेक्स्ट विजिबल है। ओके अब क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा हमारा इसके अंदर ही होवर पे एक चीज हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म यूज करके ये बड़ा हो जाएगा इस। ओके ट्रांसफॉर्म स्केल यूज करेंगे हम, स्केल में 1.1 कर देंगे। ओके एंड इसको कॉपी करने के बाद, एक मिनट गाइस, इसको कॉपी करेंगे हम एंड वेबकिट भी मेंशन करेंगे इसके लिए। ओके एंड यहां से ब्राउजर पे चलते हैं, ये देखिए गाइस अब आपका टेक्स्ट बड़ा हो रहा है। ओके तो स्केल लगाया जिससे हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे अभी, इसमें हम नेव लेंगे यूएल एल आई ए पे होवर हो अगर, सो इसके बिफोर पे विजिबिलिटी आपकी विजिबल हो। ओके एंड इसके बाद में हम क्या हम यूज करेंगे इसके अंदर, स्केल ही यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर, स्केल 5, ओके एक्स, ओके 1 करेंगे। इसको भी हम कॉपी करेंगे एंड यहां से वेबकिट ले लेंगे गाइस। ओके सेव करते हैं फाइल को, ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखिए गाइस अभी आपको इम्पैक्ट इतना पता लग नहीं रहा होगा। ओके अब इसका इम्पैक्ट बिफोर का कब पता लगेगा, जब हम इसकी प्रॉपर्टी बना लेंगे। तो प्रॉपर्टीज की क्या थी बनाने के लिए, वो है आपका यूएलए पे हम क्या करेंगे, बिफोर करने वाले हैं हम। तो बिफोर पे हम क्या बनाना चाहते हैं, अंडरलाइन ही क्रिएट करेंगे हम। ओके एंड यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट, इसके बाद होगा आपका विड्थ 50%, ओके हाइट होगी आपकी 2 पिक्सल की, और बॉटम से होगा आपका 0। ओके
ब्राउजर पे, तो देखिए गाइस हमारा बटन रेडी हो चुका है। सो डिजाइन बहुत अच्छा कूल लग रहा है ये। एंड इसके बाद अब इस पे करते हैं होवर का इफेक्ट। तो बटन होवर करने पे यहाँ पे हम क्या चाहते हैं गाइस, बॉर्डर जो है उसका 1 पिक्सल का ओके सॉलिड एंड वाइट कलर हो जाए वो। ओके सो देखिए अब ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखिए गाइस आपका ओवर करने पे बटन वाइट हो रहा है गाइस। ओके अब क्या करते हैं हम, एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है, अगर जब इस पे फोकस होता है ना गाइस तो एक आउटलाइन आती है, तो उस आउटलाइन को आप नन कर दीजिए तो आपको विजिबल नहीं होगी। अब ये चीज तो हमारी रेडी हो चुकी है कि हमने मेन्यू बना लिया, बटन बना लिया। देन अब क्या है कि क्रॉस आइकन बनाना है हमें। तो क्रॉस आइकन के लिए हमने क्या करा था गाइस, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक डिप के अंदर हमने क्या करा था, क्लोज लिया था, तो हम सीधा क्लोज को डिजाइन कर लेते हैं। क्लोज एंड क्लोज पे क्या करेंगे, पोजिशन फिक्स कर देंगे इसको भी। टॉप से होगा ये 40 पिक्सल का, ओके राइट से होगा आपका ये 60 पिक्सल का, कलर होगा इसका वाइट एंड जेड इंडेक्स होगा इसका 3 एंड कर्सर होगा इसका कर्सर पॉइंटर। ओके अब यहां पे आएंगे तो यहां पे विजिबल नहीं होगा गाइस। तो ये क्रॉस कहां पे दिख रहा होगा मैं आपको पहले बता देता हूं। अभी क्या है कि अभी ये दिख नहीं रहा होगा वहां पे, तो अभी हमें कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम करते हैं क्लोज। क्लोज के अंदर जो स्पैन लिया हमने ओके उसी क्लोज पे मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं गाइस। ओके कॉमा एंड यहां से क्लोज स्पैन। ओके बॉर्डर रेडियस आपका 4 पिक्सल का होगा, हाइट होगी आपकी 5 पिक्सल की। ओके विड्थ होगा आपका 35 पिक्सल। बैकग्राउंड वाइट होगा आपका एंड पोजीशन आपकी एब्सोल्यूट होगी। ओके डिस्प्ले होगा आपका ब्लॉक एंड कंटेंट होगा आपका ओके सो ये आप देख रहे हैं ये आपका है। एंड यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अभी हमने उसकी विजिबिलिटी हिडन कर रखी है। तो मैं एक बार दोबारा उसको हिडन से हटा देता हूँ जिससे कि आपको दिख सके गाइस। ओके यहाँ से बंद करते हैं एंड यहाँ से विजिबल कर देते हैं आपके लिए। ओके यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आपको दिख रही होगी गाइस अब। ओके तो क्रॉस का बटन भी हमारा उसी के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे अब इसके लिए, अब क्या करेंगे हम क्लोज पे लेंगे, स्पैन पे लेंगे। स्पैन पे क्या करेंगे गाइस, बैकग्राउंड को ना ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ओके देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि अभी आपको यहाँ पे विजिबिलिटी समझ में नहीं आ रही होगी, अभी हमें इसे क्रॉस बनाना है। ओके बिफोर आफ्टर वाले पे, तो अभी हम क्या करेंगे, क्लोज लेंगे, स्पैन लेंगे एंड बिफोर लेंगे पहले। ओके अब बिफोर पे करेंगे क्या गाइस, हम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, रोटेट लेंगे। ओके गाइस अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को प्लीज कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ओके एंड यहाँ से वेबकिट लेते हैं। ओके सबसे पहले चलते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए गाइस अब आपको विजिबल हो रहा होगा कि हमने जो अभी ग्रुपिंग करके बनाया बिफोर आफ्टर से वो हमें, तो यहाँ पे चलते हैं एडिटर पे एंड यहाँ से सेम चीज करेंगे हम आफ्टर के लिए भी। तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं पहले यहाँ पे एंड यहाँ चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे बस हमें करना होगा माइनस में। ओके सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये क्रॉस रेडी है हमारा। ओके अब इस क्रॉस के बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके आउटर पे। ओके इसके आउटर पे क्या था, ये आउटर क्लोज हमने ले रखा है ना गाइस, इसको डिजाइन करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, डॉट आउटर क्लोज पे हम करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके राइट से होगा ये आपका 0। ओके टॉप से होगा ये 0। विड्थ होगी इसकी 85 पिक्सल की, हाइट होगी इसकी 85 पिक्सल की। ओके कर्सर होगा पॉइंटर आपका, ठीक है गाइस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी एक यूज कर ही लेते हैं हम जिससे कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपकी सीएसएस मीडिया एंड स्क्रीन एंड
यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले मिन विड्थ ले लेते हैं एंड 600 लेंगे हम। एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, बस H1 की ही हम फॉन्ट साइज को कम करेंगे, बिकॉज बाकी सारी चीज़ रिस्पॉन्सिव ही है। EM नेव के अंदर UL A के बाद आपका है फॉन्ट साइज उसका भी, एंड फॉन्ट साइज पे हम करेंगे 3 AM। ओके दैट्स इट, आपकी CSS कंप्लीट है, ये देखिए गाइस। अब आपका यहाँ पे ये सब कुछ रेडी है। अब क्या करते हैं, हम इसे फंक्शनैलिटी के थ्रू चलाने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो कि हमें हमने विजिबल करा था उसको वापस पहले की तरह कर देते हैं, 0 एंड हिडन। ओके सो अब हमारा ये रेडी है। तो अभी फंक्शनैलिटी बनाने के बाद मैं आपको रिस्पॉन्सिव भी चेक करा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट है हमारे पास, स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर। ओके यहां से हम लेंगे फंक्शन, फंक्शन ले लिया हमने, फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे डॉलर, डॉलर के बाद हम लेंगे इसके अंदर डॉ टॉगल ओवरले। ये क्लास कहाँ पे है गाइस, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिस पे हम ये क्लिक फंक्शन बना रहे हैं। एंड इसके बाद होगा आपका, कोई क्लास नहीं है हमारे पे, हम डायरेक्ट ए साइड पे ही टॉगल। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे ओपन, याद है गाइस हमने CSS के अंदर ओपन एक क्लास बना के पहले से रख ली थी, मैं भी आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। ओके तो सबसे पहले हमारा क्या है, टॉगल ओवरले कहाँ पे पड़ी है, ये हमारे यहाँ पे बटन के ऊपर। ओके एंड ए साइड क्या है हमारा, ए साइड आपका ये है पूरा का पूरा। ओके एंड इसके ऊपर ओपन क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है आपका, जब हम इसको विजिबिलिटी को हिडन रखते हैं पहले, तो ओपन क्या करता है उसकी ओपेसिटी को वन करता है, विजिबिलिटी करता है। तो ब्राउजर पे चलते हैं गाइस। ओके हिट करते हैं बूम गाइस, आपका ये कोड वर्किंग है। ओके एंड क्लोज करके देखते हैं, ये देखिए गाइस, क्लोज करते हैं ये देखिए गाइस। ओके ओके एंड रिस्पॉन्सिव चेक करा देता हूँ गाइस मैं आपका, पहले वीडियो को एंड करने से पहले, ये देखिए गाइस रिस्पॉन्सिव में आप आएंगे, हिट करेंगे, ओके आपका सब कुछ नॉर्मल है। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अभी तक भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।